आज जुड़े हैं एक पेशेंट और हमारे साथ और उनसे जानेंगे क्या क्या समस्याएं थी उनकी। क्या नाम है पेशेंट का? सर उनका नाम श्याम सिंह। कौन है आपके? मेरे छोटे भाई। लेकर नहीं आए हो आप छोटे भाई को? नहीं, उनको अभी साथ में नहीं ला पाया हूँ, कुछ प्रॉब्लम थी पैसे की, इसलिए अब उनको आराम है बहुत ही। क्या क्या फर्क है? उनका पहले कमर में दर्द होता था, वो ठीक है, कभी कभी होता है, और बुखार आता था वो भी ठीक है, सिर में दर्द वो भी ठीक है, आराम में ठीक है। पहले क्रिएटिनिन था उनका 8.68 था, अब वो घट के 2 महीने में वो आ गया है 5.38 पर आ गया। अच्छा, डायलिसिस तो नहीं कराया ना? डायलिसिस नहीं कराया था सर। डॉक्टर ने क्या बताया था, कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर राजस्थान का, राजस्थान से भरतपुर तहसील से, तो भरतपुर में क्या बताया था उस समय? उस समय हमने डॉक्टर साहब वहाँ पर गए थे हम, उन्होंने डायलिसिस के लिए बोला था, लेकिन हमने अभी डायलिसिस कराया नहीं, हम इससे पहले पता नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई आराम नहीं मिला। आपके पास आप ऐसे किसी साथ वाले ने बताया था, कर्मा आयुर्वेद नाम का हुआ है कोई, हम यहाँ पे आए थे, तो आपके पास आने से हमको बहुत फायदा मिला। ठीक महसूस कर रहे हैं ना श्याम सिंह? नहीं बिल्कुल सही है वो सर। अब ठीक है ना श्याम पहले से? हाँ बिल्कुल सही है। ऐसा लगता तो नहीं कि बीमार है? अब वो बीमार नहीं लगते हैं, जो आपने बताया था डाइट चार्ट जो भी है वो भी हमने फॉलो किया है, और बिल्कुल सारी चीजें सही है, और आगे की जो प्रक्रिया वो आप जो भी बताओगे उसी के हिसाब से चल। तो ये रिपोर्ट जो है ना ये बता रही है कि श्याम सिंह जो है उसको क्रिएटिनिन जो था वो 8.68 तक चला गया। तो जिंदल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान की रिपोर्ट है, और श्याम सिंह पेशेंट का नाम है, और ये रिपोर्ट इन्होंने कराई है। कब कराई थी रिपोर्ट आपने? 27 को कराई थी। यहाँ लिखी हुई है 27 जनवरी 2019 को इन्होंने रिपोर्ट कराई है। क्रिएटिनिन 8.68 है, और साथ साथ इनका जो है वो क्लोराइड भी है, थोड़ा सा इंबैलेंस चल रहा है, क्लोराइड कम चल रहा है इस रिपोर्ट में, क्रिएटिनिन इसमें काफी बढ़ा हुआ है। और अब एक इन्होंने रिपीट टेस्ट कराया है, और ये इन्होंने कराया है अभी लेटेस्ट 28 फरवरी 2020 को, और क्रिएटिनिन इसमें घट के 5.6 हो गया। जिंदल सुपर स्पेशलिटी भरतपुर राजस्थान से 5.64 हो चुका है क्रिएटिनिन, पहले जो था वो 8 की रेंज में था, और इनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था भरतपुर में, और अब जो है ये क्रिएटिनिन 5 के रेंज में आया है। तो पहले से काफी अच्छे इनको रिजल्ट्स नजर आए हैं, और अब इनको डायलिसिस की आवश्यकता भी नहीं है। तो राजस्थान में इनको डायलिसिस के लिए एडवाइस कर दिया गया था, लेकिन अब विदाउट डायलिसिस जो है इनका क्रिएटिनिन कम हुआ, सभी चीजों में इनको लाभ हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे किडनी के मरीजों को? आप देख चुके हैं ना आपके भाई के साथ की कितनी दिक्कत होती है इस बीमारी में, और किस प्रकार से उसको फायदा हुआ, तो क्या उन मरीजों को आप बताना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहूंगा, ये कर्मा आयुर्वेद में आप संपर्क करें, और इसी में अपना इलाज चलाएं, और बाकी कहीं भी डायलिसिस कराने के बजाय यहीं पे संपर्क करें। चलिए, ये है श्याम सिंह के बड़े भाई, जो कई जगहों पे गए, और कई जगहों उन्होंने एलोपैथिक और आयुर्वेद में भी कई जगहों पर गए, लेकिन इनको लाभ हुआ कर्मा आयुर्वेदा में आकर। और आज हमारे पास ऐसे कई हजारों की संख्या में पेशेंट है जिनको डायलिसिस बंद हो चुका है, जिनका क्रिएटिनिन बंद कम हो चुका है, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, डायलिसिस चल रहा था, डायलिसिस एडवाइस कर दिया था, क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, इन सभी पेशेंट्स को लाभ हुआ। ऐसे हजारों की संख्या में वीडियोज तो हमारे यूट्यूब पर ही उपलब्ध है, जिसमें सभी रिपोर्ट्स पे वीडियोज में रिपोर्ट्स भी लगी हुई है, और रिपोर्ट जो है वो सभी अलग अलग जगहों की है, जैसे ये भरतपुर राजस्थान की, जहां का पेशेंट वहां की रिपोर्ट। हम किसी को भी कहीं से भी रिपोर्ट कराने के लिए नहीं एडवाइस करते हैं, आप जहां रहते हैं वहां से नियर बाय रिपोर्ट कराइए, और उसी रिपोर्ट में आप अंतर पाएंगे।